हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। प्रश्न जैसे कि इफ क्या होता है भाई, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, ये सारी तमाम जो बातें हैं, ये जो आपके सवाल हैं, इनके जवाब में देने की आज कोशिश करूंगा। बड़े आसान भाषा में सब में डिलीवर करने वाला हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो सैंपल कोड है, उसके जरिए मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। एग्जीक्यूट करके हर लाइन का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई देखो, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ, ये एक्चुअली मामला है क्या? तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें भाई साहब आपके इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ आते हैं। सो दीज आर नथिंग बट द सिंपली, अगर मैं बात करूं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। यानी कि आपके सामने दो रास्ते हैं, बराबर है, तो आपको किस रास्ते को चुनना है? यू हैव टू गो लेफ्ट और यू हैव टू गो राइट, सही बात है कि नहीं? तो अभी ये चुनाव कैसे किया जाए, ये डिसीजन कैसे लिया जाए? तो डिसीजन बनाने में, मेक करने में जो आपके स्टेटमेंट मदद करते हैं, तो वो सी प्रोग्रामिंग में आपके यहाँ पे इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होती है यहाँ पे, ओके? कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू साबित होती है तो आप किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हो, और अगर वो फॉल्स साबित होती है तो आप दूसरे रास्ते को चुनते हो, यानी कि सम अदर ब्लॉक ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट करते हो। तो दिस पैटर्न यू फॉलो इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे सैंपल कोड आपके सामने है, ओके? यहाँ बेसिक सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर सारे अपने इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एक करके इसको अपन समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। सी इफ का अगर सिंटैक्स आपको देखना है तो बड़ा आसान है, बस एक कीवर्ड का खेल है, सिर्फ एक कीवर्ड का खेल है, वो है इफ, जस्ट वन कीवर्ड। उसके बाद अपन क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट में कंडीशंस मेंशन करते हैं, बराबर है? अब यहाँ पे एक कंडीशन मैंने मेंशन की है, और इससे पहले अगर आप देखोगे मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल्स ए और बी जिनके नाम है, जिनका डेटा टाइप इंटीजर है, उनको 10 और 20 रिस्पेक्टिवली वैल्यू असाइन कर दी है। अब अपन सिर्फ क्या करने वाले हैं ना, रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे लगाया और चेक कर रहे हैं कि भैया इनके बीच का जो रिलेशन जो यहाँ पे प्रकट हो रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे कि ए इज लेस देन बी, अब अपने को दिख रहा है 10 जो है 20 से कम है, तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसे अपन कहते हैं इफ कंडीशन का ट्रू होना। और जब ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो यहां जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कोड है ना, जिसे अपन सिंपली इफ का ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं, इफ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब ये जो आपका इफ है उस वो अगर ट्रू होता है तो क्या एग्जीक्यूट करना है, तो ये फिर आपको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहां मैंने क्या बोला है, प्रिंट कर दो भाई इफ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भैया ट्रू था। तो इफ में आसान तरीके समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट इफ किया, ठीक है? तो ये हो गया सिंपल सा मामला इफ का। अब जरूरी नहीं यार कि एक ही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, ओके? आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंड एंड, आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ए इक्वल टू इक्वल टू 10 है क्या, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ आपने क्या किया, रिलेशन ऑपरेटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन अगर रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन रखी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप एंड लगा सकते हो, लॉजिकल और लगा सकते हो, जैसी आपको कंडीशन रखनी होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है भैया काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एंड लगा दिया तो इसका मतलब क्या, कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जाके जो ब्लॉक ऑफ कोड है आपका इफ का वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया भैया सिंपल सा आसान सा मामला। अब तो आगे बढ़ते हैं, अगला फंडा समझते हैं, इफ एल्स का फंडा भी जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है, तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि भाई इधर जाऊं या उधर जाऊं, बराबर है? तो यहाँ पे जो है इधर ये है और उधर ये है, सही बात है? ये दो रास्ते हैं, मतलब ये दो स्टेटमेंट है जो अपने को एग्जीक्यूट करने हैं, करेक्ट? अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस के बेसिस पे आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। तो कैसा फ्लो चलता है भैया इफ एल्स का, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये इफ का मामला तो सेम है, जैसे कि ऊपर अपन ने देखा, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। इफ वही कीवर्ड इस्तेमाल किया, राउंड ब्रैकेट में कंडीशन मेंशन की, और अगर वो ट्रू निकलती है तो अपन ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सही बात है? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फॉल्स हुआ तो कहां जाएंगे? तो अगर ये रिस्पेक्टिव कंडीशन जो कि आपकी इस राउंड ब्रैकेट में इफ के आगे मेंशन है, अगर वो फॉल्स होती है तो आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो सीधा चले जाता है एल्स के पास। वो क्या करता है, सीधा एल्स के पास चले जाता है, और एल्स के आगे आप देख सकते हो कुछ भी कंडीशन हम मेंशन नहीं करते एल्स के आगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। कंडीशन अपन पहली चेक कर चुके हैं इफ में, अगर वो ट्रू निकलती है तो ये एग्जीक्यूट करना है, मतलब इधर जाना है, अगर ये फॉल्स निकलती है तो फिर उधर जाना है, बात समझ में आ गई? तो इतना आसान सा मामला है, एल्स में हम कोई कंडीशन मेंशन नहीं करते। और उसके बाद फिर आपके दिमाग में सवाल होगा कि अगर एल्स भी एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा आपका, मतलब एल्स के बाद का जो प्रोग्राम होगा वो नॉर्मल
वे में नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होगा, बराबर है। तो ये इफ एल्स का फंडा हो गया। इसमें भी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इफ में यार एक से ज्यादा कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो, ओके? जैसी आपकी नीड होगी, जैसा आपका पर्पस होगा, वो आप यहाँ पे उतनी कंडीशंस जो है लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो नेस्टेड इफ, ये अगला फंडा है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ घुसा हुआ है, बराबर है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आउटर इफ और इनर इफ का फंडा जो है वो आ जाता है। अभी इसको जरा अपन समझते हैं। देख लो यार यहाँ पे जो है ना, ये मेरा एक इफ की कंडीशन है, ए इज लेस देन बी, ये मेरी क्या है भाई, इफ की कंडीशन है। और इसका जो भैया बॉडी है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की जो बॉडी है, एक तरीके से जो कोड ऑफ ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होगा, वो क्या है भाई यहाँ पे, वो ये है, इतना है, ये उसकी पूरी बॉडी है, ये कोड ऑफ ब्लॉक है अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है। तो आप जरा गौर से देखिए, ये जो ब्लू हाइलाइटेड एरिया है, इसके अंदर मुझे एक और इफ दिखाई दे रहा है, एक और इफ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसे, इस नेचर को, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक जो इफ है उसकी जो बॉडी है, उसका जो कोड ऑफ ब्लॉक है, उसमें एक और आपको जो इफ है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसे एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया आउटर इफ और इनर इफ। तो ये क्या हो गया भाई आपका आउटर इफ, और ये क्या हो गया आपका इनर इफ, ओके? तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि अगर आपके आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ही जाके आप इनर इफ को एनकाउंटर कर सकते हो, उसके साथ आपका आमना सामना हो सकता है। लेकिन अगर आपके आउटर इफ का ही कंडीशन फॉल्स निकलता है तो आप अपने इनर लू, इनर जो इफ है ना, वहां तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, बिकॉज आपके आउटर इफ की ही कंडीशन जो है भैया फॉल्स निकल गई है। लेकिन इस केस में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझ के कंडीशन ऐसी रखी है भाई कि वो ट्रू निकले और फिर आप इनर में आए, इनर में भी ट्रू रखी, ताकि आपका ये जो रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड है इनर इफ का, वो एग्जीक्यूट हो। तो अभी ये जो तमाम बातें अभी हमने समझी बड़े आसान भाषा में, जरा उसको अपन जो है भाई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने खोल दिया कमांड प्रॉम्प्ट और फिर मैंने क्या किया, gcc space 1.c, कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल हो गया और अभी फिर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सबसे पहले तो इफ प्रिंट हुआ। इफ क्यों प्रिंट हुआ, कौन सा इफ प्रिंट हुआ भाई, वो ये वाला इफ प्रिंट हुआ। क्यों? बिकॉज ये वाली जो कंडीशन है दोनों ट्रू निकली, ओके? दोनों, क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन क्या है लॉजिकल का, कि भैया दोनों कंडीशंस आपकी जब तक ट्रू नहीं होती तब तक भैया आगे अपन नहीं बढ़ने वाले, इफ का ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। ए इज लेस देन बी, सही बात है। ए इक्वल टू 10, सही बात है। तो जाके वो प्रिंट किया उसने इफ यहाँ पे, बराबर है। अब आगे आते हैं इफ एल्स के ऊपर। ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका मतलब कंट्रोल आपका सीधा कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। एल्स पे कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, इसका मतलब सीधा सीधा आपका जो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है वो सीधा प्रिंट हो जाएगा, और उसने प्रिंट कर दिया एल्स, सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेस्टेड इफ पे। अब नेस्टेड इफ में आप देख सकते हो ये कंडीशन जानबूझ के ट्रू रखी ताकि ये प्रिंट हो सके, तो आउटर इफ भी प्रिंट हो गया। और उसके बाद भाई साहब हमने सीधा सीधा आमना सामना हमारा हुआ इनर इफ के साथ, जिसमें भी कंडीशन हमें मेंशन करनी पड़ती है, जो कि ट्रू निकली यहाँ पे और फिर मैंने प्रिंट कर दिया इनर इफ यहाँ पे, और यहाँ पे वो आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा होगा। तो यही वो सारा तमाम बातें थी जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी मदद हो गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।